हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल वन द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किसी भी वीडियो में रनिंग टेक्स्ट कैसे लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि कोई वीडियो हो और उसमें रनिंग टेक्स्ट लगा हो, तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। तो हम अपना मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लिए हैं, उसके बाद आपको काइन मास्टर ओपन करना है। तो चलिए हम अपना काइन मास्टर को भी ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम काइन मास्टर ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। तो चलिए उसके बाद जो है आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट एक्सैक्ट रेशियो, आप किस रेशियो में बनाना चाहते हैं। तो YouTube के लिए 16:9 बेहतर होता है। उसके बाद यदि TikTok के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 9:16 में बना सकते हैं। तो चलिए मैं YouTube के लिए बनाना चाहता हूं, इसलिए 16:9 पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही 16:9 पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। जैसे ही इंटरफेस मिलता है तो आपको वही वीडियो सिलेक्ट करना है जिसमें आप रनिंग टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले आपको मीडिया में जाना है, तो चलिए मीडिया में चले जाते हैं। मीडिया में जैसे जाएंगे तो हमें कोई वीडियो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं हम यहां से कोई एक वीडियो ले लेते हैं जिसमें हमें रनिंग टेक्स्ट लगाना हो। तो चलिए हम यहां पर एक वीडियो ले लेते हैं। तो उसके बाद वीडियो लेने के बाद सही के निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही सही के निशान पर क्लिक करते हैं तो आप को इसका फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पोजिशन में आ गए हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही लेयर पर क्लिक करते हैं तो आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं लिखना चाहूँगा वेलकम टू माय चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर। तो हम लिख दिए वेलकम टू माय चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर। अब उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको नीचे में ले जा कर के एडजस्ट कर देता हूं। उसके बाद चलिए मैं इसका आइकन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट का आइकन चेंज कर लेंगे तो हम इसमें चले जाएँगे। तो इसमें जाने के बाद सही के निशान पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सही के निशान पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ टेक्स्ट इस प्रकार से दिखने के लिए मिलेगा। तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको बैकग्राउंड में जाना है। तो मेरा बैकग्राउंड कहाँ पे है देख लेते हैं। मेरा बैकग्राउंड यहाँ है। तो बैकग्राउंड को ये हाइड है तो इसको क्या करना है, वन कर देना है। जैसे ही इसको वन करते हैं तो फुल विथ बैकग्राउंड इसको भी ऑफ वन कर लेना है। उसके बाद जो है इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। तो मैं कलर लेना चाहता हूँ, इस कलर को मैं लेना चाहूँगा। तो चलिए इस कलर को हम क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद फिर यदि हम चाहते हैं कि जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो, यदि आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ का भी कलर चेंज कर पाएंगे। जैसे मान लिया जाए हम इस कलर को लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ सही के निशान पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको फिर बैकग्राउंड में जाना है। बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको जो है यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का कुछ इंटरफेस मिलेगा। और जैसे इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है तो आपको यहाँ फुल कर देना है। ये आधा रहेगा, आपको फुल कर देना है। उसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सही के निशान पर क्लिक करते हैं तो आप इस टेक्स्ट को जो है आप अंदर लेके चलिए। तो चलिए मैं यहाँ इसको लेके चले आता हूँ। यहाँ जैसे ही लेके गए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं की का निशान, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा इधर कर लेना है, इसको लास्ट पोजीशन में रखना है और इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सही के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सही के निशान पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है जो टेक्स्ट अंदर लेके गए थे उस टेक्स्ट को फिर बाहर निकालना है। तो चलिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको बाहर निकाल लिया। अब चलिए यहाँ पे हमको अंदर करना है, इधर हम अंदर कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सही के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सही के निशान पर क्लिक करते हैं तो आप ओपन करके देख सकते हैं कि आपका वीडियो किस प्रकार से चलता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो बहुत
वीडियो में जो है काफ़ी रनिंग से चल रही है। यदि आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो आप इसको बड़ा कर दीजिए, जितना बड़ा कीजिएगा उतना स्लो हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जितना बड़ा कीजिएगा उतना स्लो हो जाएगा। आप फिर पुनः इसको चालू कीजिए, जैसे ही आप चालू करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये वीडियो का रनिंग टेक्स्ट जो है बहुत स्लो से चलना प्रारंभ हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप बड़ी आसानी से किसी भी वीडियो में रनिंग टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या शिकायत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।